Good morning, students. I am your teacher of English, and today I am going to start your new chapter. And your new chapter is chapter 20, locating positions. आज जो हम आप लोगों का chapter start करने जा रहे हैं, वो नया chapter chapter 20 है, और उसका नाम है locating positions. Locating positions means locating का मतलब होता है ढूंढना और positions का मतलब होता है जगह. तो इस chapter में हम लोग जगह को ढूंढेंगे कि कौन सा चीज कहाँ पे रखा हुआ है या कौन सा चीज कहाँ पर है. इस चैप्टर में हम लोगों को यही देखना है और उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है. स्टार्ट करते हैं. लुक एट द पिक्चर्स. ये सारे पिक्चर्स को देखना है एंड अंडरस्टैंड और अच्छी तरीके से समझना है. अ फॉक्स इज अंडर द ट्री. ये जो लोमड़ी है वो ट्री के जस्ट नीचे खड़ा है. अंडर का मतलब क्या होता है? नीचे. तो इसीलिए ये नीचे खड़ा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे अंडर का यूज किए हैं कि ये जो लोमड़ी है वो ट्री के नीचे खड़ा है. ठीक है. द नेक्स्ट नेक्स्ट द प्रिंटर इज ऑन द टेबल. ये जो प्रिंटर है वो टेबल के ऊपर रखा हुआ है. तो ऊपर वर्ड यूज हुआ है इसलिए यहाँ पे हम लोग ऑन का यूज किए. ऑन का मतलब होता है ऊपर. तो द प्रिंटर इज ऑन द टेबल की टेबल के ऊपर प्रिंटर रखा हुआ है. नेक्स्ट अ रैबिट इज नियर द वेल. रैबिट जो है खरगोश वो कुएं के नजदीक है. तो नियर का मतलब क्या होता है? नजदीक. इसलिए हम लोग ये वर्ड का यूज किए हैं कि अ रैबिट इज नियर द वेल कि जो खरगोश है वो कुएं के नजदीक है. उसके बाद अ काउ इज बिहाइंड द बॉय कि बिहाइंड का मतलब क्या होता है? पीछे. तो लड़के के पीछे कौन खड़ा है? गाय खड़ा है. तो वही बोलेंगे कि गाय जो है वो लड़के के पीछे खड़ा है, इसीलिए यहाँ पे बिहाइंड का यूज किया गया है. अ डॉग इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द बॉय कि बॉय के जस्ट सामने है सो कुत्ता खड़ा है. तो इन फ्रंट का मतलब क्या होता है? सामने. तो इसीलिए यहाँ पे सामने के लिए इन फ्रंट का यूज किया गया है कि कुत्ता जो है वो बॉय के सामने खड़ा है. नेक्स्ट क्या है? द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द हाउस. ओवर का मतलब होता है ऊपर से. तो जो पक्षी है वो घर के ऊपर से उड़कर उड़ रहे हैं. तो इसलिए ऊपर से उड़ रहे हैं, इसलिए इस जगह पे हम लोग ओवर का यूज किए हैं. ओवर का मतलब होता है ऊपर से. और रैट इज अंडर द टेबल. बिल्ली जो है वो टेबल के नीचे है, यानी कि नीचे है. तो इसलिए हम लोग अंडर का, हम लोग ऊपर भी पढ़े क्या होता है? नीचे. तो यहाँ पे नीचे है इसलिए अंडर का यूज किए कि बिल्ली जो है वो टेबल के नीचे है. द डॉग इज इन द कैनल. इनका मतलब क्या होता है? मे. तो वो कैनल किसको बोलते हैं? कुत्ते के घर को हम लोग कैनल बोलते हैं. तो कुत्ता जो है वो कैनल के अंदर में है, इसलिए इनका यूज किया गया है. ये क्वेश्चन है जो आपको आपके अपने कॉपी में करनी है. मैं बता चुकी हूँ. सिमिलरली सब कुछ वही चीज है. ठीक है, फिर भी मैं समझा देती हूँ. कैट इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द बॉय. कुत्ता लड़की के सामने खड़ा है, इसलिए यहाँ पे इन फ्रंट का यूज किया गया है. द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द हाउस. घर के ऊपर से एरोप्लेन उड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे ओवर का यूज किया गया है. अ गोट इज बिहाइंड द बॉय. बॉय के जस्ट पीछे कौन खड़ा है? गोट मतलब बकरी. तो बिहाइंड इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज किए. द ऑक्स इज अंडर द ट्री. जो पेड़ के नीचे कौन है? गाय है, इसलिए अंडर का यूज किया गया. स्क्वायरल इज अंडर द टेबल. टेबल के नीचे कौन है? स्क्वायरल है, इसलिए यहाँ पे अंडर का यूज किए हैं हम लोग नीचे. द लायन इज नियर द वेल. कुएं के पास कौन है? सेप, इसलिए नियर का यूज किया गया. द टॉय इज इन द बॉक्स. बॉक्स में कौन है? खिलौना है, इसलिए इनका यूज किया गया है. द बुक्स आर ऑन द टेबल. टेबल के ऊपर क्या है? बॉक्स है, तो ऊपर है, इसलिए यहाँ पे ऑन का यूज किया गया. ठीक है, थैंक यू.